ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा जाऊ। तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके बैग में बॉम्ब है। ये साला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसने देश के तमाम मासूम बच्चों और औरतों की हत्या की है। He's a damn terrorist. पुराने गाने से क्या होगा सूर्यवंशी को फायदा? किसने गाया है सूर्यवंशी के आयला का रीमेक? क्या कहता है सूर्यवंशी के सिंगर का रिकॉर्ड? रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। अब जैसे जैसे करीब आ रही है, फिल्म के लिए उत्साह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, यह साल की सबसे बड़ी फिल्म है और यह पूरी तरह से मनोरंजन के साथ सिनेमा घरों में धमाल करने का वादा कर रही है। इसी बीच मेकर्स ने अब एक नया गाना रिलीज कर दिया है। हाल ही में रिलीज किया हुआ गाना आयला रे आयला पिछले एक दशक के ब्लॉकबस्टर ट्रैक का मिश्रण है, जिसमें अक्षय कुमार भी थिरकते दिखाई दे रहे हैं। उड़ती कारों के साथ पूरी तरह से तैयार किए गए एक्शन सीन्स से रोहित शेट्टी की फिल्म भरी हुई है। बता दें, हाल ही में रिलीज गाने का ओरिजिनल सॉन्ग प्रीतम चक्रवर्ती द्वारा रचित था, जबकि इसका नया सूर्यवंशी वर्जन तनिष्क बागची द्वारा बनाया गया था, जो पुराने गानों के रंग देने के लिए जाने जाते हैं। गाने को दलेर मेहंदी ने गाया है और इसके बोल शबीर अहमद ने लिखे हैं। यह तो सब जानते हैं कि दलेर मेहंदी जो गाना गाते हैं उसमें वो एक नया जोश, नई उमंग भर देते हैं। ना सिर्फ उमंग और जोश, बल्कि उस गाने को वो अपनी बुलंद आवाज से एक नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देते हैं। अगर दलेर मेहंदी के पुराने गानों की याद दिलाया जाए तो इसमें आज तक सबसे ज्यादा याद किए जाने वाला गाना हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आज भी इंडिया की कोई भी शादी इन गानों के बिना अधूरी है। और अब इस लिस्ट में सूर्यवंशी का आयला आयला गाना भी शामिल हो गया है। बता दें कि सूर्यवंशी अपनी रिलीज को लेकर काफी समय से मुश्किलों में घिरी हुई है। यह फिल्म जो लगभग 2 साल पहले ही रिलीज होने वाली थी, अब आखिरकार इसे 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में मेन लीड रोल में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ दिखेंगे। वहीं सिम्बा और सिंघम के थीम ट्रैक से फिल्म को जोड़ने के लिए फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन कैमियो रोल में दिखेंगे। रोहित शेट्टी फिल्म में अपने सभी कॉप यूनिवर्स को मर्ज करने जा रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सभी कॉप यूनिवर्स को मर्ज करके रोहित शेट्टी कितना पैसा कमा पाते हैं। साथ ही आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं सूर्यवंशी के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं। और भी सारी अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय, टेक केयर।